चलिए, मध्य प्रदेश में पेश हुए बजट की बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने जमकर तारीफ की है। जहां बजट की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई दी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का इस साल का जो बजट आया है वो ऐतिहासिक बजट है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बजट को संतुलित बजट बताया। तो वही बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू ने कहा कि इस कोरोना संकट काल में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चुकी थी, इस संकट के दौर में भी बीजेपी सरकार ने संतुलित बजट पेश किया है। सरकार ने जो कल्याणकारी राज्य के लिए जो योजनाएं बनाई है, उनका लक्ष्य रखा है, उसको सिद्ध किया है। आज विधानसभा में माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने मध्य प्रदेश 2021-22 का जो बजट रखा है वो ऐतिहासिक बजट है। चौमुखी विकास करने वाला बजट है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया, प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया, उसी के तारतम्य में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को करने में ये बजट सार्थक होगा। 2,41,465 करोड़ का यह बजट मध्य प्रदेश आधारभूत ढांचे का विकास, इसमें बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर होंगे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है। बहुत ही संतुलित बजट है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना के इस महाकाल में इतनी दिक्कतों के बाद में, इतनी आर्थिक परेशानियों के बाद, जहां एक और फैक्ट्रियां बंद रहीं, दुकानें बंद रहीं, रेलवे ट्रांसपोर्ट बंद रहा, उस स्थिति में भी मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बजट आज प्रस्तुत किया है, बहुत विकासशील बजट है और सभी वर्गों को उसके संतुलित ढंग से उन्होंने मदद करने का पूरा प्रयास किया। मैं इस विकासशील बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूँ। कोरोना बीमारी के संक्रमण के बावजूद एक स्वस्थ बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा बजट दिया जो जनकल्याण, किसान, किशोर और कमजोर वर्गों के लिए बड़े प्रावधानों के साथ, बजटीय नियंत्रण के साथ और अनुशासन, बजटीय अनुशासन के साथ, यह बजट एक मील का पत्थर विकास के नए आयाम को छूते हुए सिद्ध होगा।